अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल के वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत क्विक बनते हैं, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल के अंदर मैंने डाला है चॉप किया हुआ लहसुन, और अब मैं डाल दूँगी चॉप की हुई हरी मिर्चें। ये लाजमी जाती हैं, लेकिन जो अथेंटिक चाइनीज़ रेसिपी है उसके अंदर हरी मिर्चें नहीं जाती, ठीक है। आप ये डाल के हल्का सा सौते करेंगे। अब आप इसके अंदर डाल देंगे स्प्रिंग अनियंस। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन डाल के इसको चिकन फ्राइड राइस भी बना सकते हैं। मैं विदाउट एग बना रही हूँ। अब मैं अपनी पसंद की जो भी वेजिटेबल्स हैं वो उसमें ऐड करूँगी। जैसे मैंने डाली है शिमला मिर्च, गाजर, और यह है गोभी। आप इसके अंदर जो बेल पेपर होती है येलो और रेड कलर की, वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आपको बिल्कुल हाई फ्लेम पर काम करना है, स्टर फ्राई करनी है सारी वेजिटेबल्स। अब डालूँगी मैं इसके अंदर यह है वाइट पेपर, ब्लैक पेपर। अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर चिकन पाउडर, और मैं इसके अंदर डालूंगी चाइनीज सॉल्ट। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर सिरका, और थोड़ा सा ही जाएगा इसके अंदर सोया सॉस। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको एग फ्राइड राइस बनाना है तो आप अलग से पैन के अंदर अंडे को डाल के अच्छे से स्क्रम्बल एग कर दीजिएगा। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा तो वो येलो येलो कलर का हो जाएगा। इसको अच्छे से स्टर फ्राई करेंगे। अब मैं डालूंगी इसके अंदर लेमन जूस। ये सीक्रेट है, क्योंकि हर कोई नहीं बताता। उनके जो रेस्टोरेंट स्टाइल के जो फ्राइड राइस होते हैं उसके अंदर एक अजीब सा खट्टापन होता है, वो इसी का होता है, जो बहुत बहुत मज़े का लगता है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे बॉयल्ड राइस। मैंने चावलों को बिल्कुल फुल बॉयल किया था, मैंने कोई कनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और मज़ेदार से हमारे वेजिटेबल फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। मैंने जो लास्ट टाइम अभी आपको सिखाया था मंचूरियन, उसके साथ मैंने यही वाले फ्राइड राइस बनाए थे जो कि वेजिटेबल के थे। आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। आगे चल के मैं और भी इसके अंदर वैरायटीज़ आपके सामने शेयर करूँगी, तो ज़रूर ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक दें। और अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।